अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। भिवंडी के एजुकेशन फील्ड में उभर रहा है नया नाम NSIT, जहां हर साल SSC स्टूडेंट्स पास होते हैं बेहतरीन परसेंटेज के साथ। इस साल भी 13 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने SSC में टॉप किया है। 11th साइंस एंड कॉमर्स एडमिशन स्टार्टेड फॉर न्यू बैचेस विद लिमिटेड सीट्स। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल दरगाह रोड भिवंडी। भिवंडी की नागरिक बैंक की वोटर लिस्ट पर आया बड़ा खुलासा। एडवोकेट फौजिया मर्चेंट ने प्रेस में कहा था कि बैंक के शेयर होल्डर्स को गुमराह किया गया है और वोटर लिस्ट से करीब 30,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। वहीं बैंक के संचालक राजू गजंगी ने खुलासा किया है कि बैंक ने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर और SMS के जरिए शेयर होल्डर्स को इसकी सूचना दी थी। साथ ही बैंक के हर ब्रांच में भी बैनर लगाया गया था कि जिनकी शेयर वैल्यूज 1,000 रुपए से नीचे है उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ एक दिल दहलाने वाला मामला। पति पत्नी के झगड़े में बाप ने अपने 4 साल के बेटे को माँ से अलग कर खुद के पास रखा था। वहीं बच्चा जब माँ से मिलने घर आया तो माँ ने बच्चे के जिस्म पर जले के निशान देखे, जिस पर बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने सिगरेट से चटके दिए हैं। माँ ने फौरन शांतिनगर पुलिस में इसकी शिकायत की और मेडिकल की कंफर्म रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी फहीम खान पर सेक्शन 75 और 324 के तहत किया मामला दर्ज। भिवंडी के बागे फिरदौस के सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर देर रात एक I-20 कार पेट्रोल भरवाने आई। कार ओनर ने यह दावा किया कि उसकी कार में पेट्रोल कम भरा गया है, लेकिन मीटर पर ज्यादा आंकड़े हैं। कार ओनर का कहना था कि I-20 का पेट्रोल टैंक 37 लीटर कैपेसिटी का होता है, तो उसमें 40 लीटर पेट्रोल कैसे आया? साथ ही पहले से उसमें 10 लीटर के करीब पेट्रोल था। विवाद को बढ़ता देख पेट्रोल पंप के ओनर ने कार का टैंक खुलवाया और पेट्रोल को नापा तो पूरे 52 लीटर पेट्रोल निकला, जिस पर शर्मिंदा होकर कार मालिक ने माफी मांगी। भिवंडी कांग्रेस पार्टी के यूथ सेक्रेटरी बने असलम उर्फ शोएब खान, जिन्होंने शांतिनगर के क्षेत्र में कई कार्यों को अंजाम दिया है और फिलहाल शांतिनगर के वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार है। भिवंडी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन का कहना है कि इस बार चुनाव में युवाओं का बोलबाला रहेगा। भिवंडी के बेरोजगार युवाओं के लिए सुहाना मौका। अब स्किल क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएट डिग्री न होने पर भी मिलेगी बेहतर जॉब। HSC पास और फ्रेशर्स को भी मिलेगी BPO में नौकरी। भिवंडी में कई सालों से ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रही निदा अंसारी ने थाने, अंधेरी, मुलुंड, डोंबिवली, बदलापुर जैसी जगहों पर 200 से ज्यादा वैकेंसीज बताई है, जहां भिवंडी से ट्रैवलिंग फैसिलिटी भी रहेगी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। निदा अंसारी का दावा है कि उनके यहाँ प्लेसमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। भिवंडी में धड़ल्ले से हो रहा है प्रतिबंधित मांगुर मछली का कारोबार, जिस पर शिकायत मिलने के बाद भिवंडी मनपा अधिकारियों ने 3 बत्ती मार्केट से 2 व्यापारियों को 130 किलो मांगुर मछली के साथ पकड़ा। दोनों व्यापारियों पर कार्रवाई कर सभी मछलियों को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि रिसर्च में पाया गया है मांगुर मछली के सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है, उसके बावजूद लोग इसका कारोबार कर रहे हैं। कांदिवली के शिव मंदिर में देर रात 2 अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पेटी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। CCTV फुटेज की मदद से 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने मुद्देमाल समेत किया बरामद। CM एकनाथ शिंदे के बार बार बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने पर भड़के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एकनाथ शिंदे पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बार बार मेरे पिता का नाम क्यों लेते हो, अगर लेना है तो अपने पिता का नाम लो और सत्ता चलाओ, मेरे पिता का नाम मुझसे ही चुराने की कोशिश ना करो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एडवोकेट संजीव के घर पर करीब 3,041 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आया, जिसे देखते ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो कि पहले ही हार्ट पेशेंट थे। बिल ज्यादा भेजने की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग ने मानवीय भूल बताकर दोबारा 1,300 रुपए का बिल भेजा और बिजली विभाग ने कहा कि इससे संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सेंसेक्स 547 अंकों की बढ़त के साथ 55,816 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 157 अंकों की बढ़त के साथ 16,641 पर हुआ बंद। गोल्ड 50,735 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 54,911 और क्रूड ऑयल 7,820 पे ट्रेड करते हुए।